भारत ने आयरलैंड से लगातार तीसरी बार टी20 सीरीज जीत ली। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है और सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। डबलिन के द विलेज स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रनों का विशाल टारगेट दिया। जवाब में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 152 रन बना सकी और भारत ने दूसरा मुकाबला 33 रनों से जीतकर इस श्रृंखला को भी अपने नाम कर लिया। वहीं मैच का टर्निंग पॉइंट लास्ट के 2 ओवर में रहा, जहां रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने 12 गेंदों पर 42 रन ठोक दिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की औसत शुरुआत रही। रश्मि जायसवाल जल्दी रन बनाने के चक्कर में 4th ओवर की 4th गेंद पर क्रेग यंग ने कार्टिस कैंपर के हाथों कैच कराया। जायसवाल ने 11 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 18 रन बनाए। भारत का दूसरा विकेट तिलक वर्मा के रूम में गिरा, ये मात्र 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर संजू सैमसंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की शानदार साझेदारी करते हैं। संजू सैमसंग ने शानदार पारी खेली और उन्होंने 26 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं लास्ट में 4th विकेट के रूम में ऋतुराज का विकेट गिरा, उन्होंने 43 गेंदों पर 58 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का लगाया। फिर लास्ट में रिंकू सिंह और शिवम दुबे विस्फोटक पारी खेलते हैं। रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर ताबड़तोड़ 38 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं शिवम दुबे ने 16 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के मारे। दोनों ने मिलकर लास्ट के 12 गेंदों पर 42 रन ठोक दिए। तो इस तरह भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 185 रन बनाए और आयरलैंड को 186 रनों का विशाल टारगेट दिया। वहीं फिर आयरलैंड बल्लेबाजी करने के लिए आती, एंड्रयू बाल्डविन को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर पाता और भारत के गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सका और आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी और इस तरह भारत ने आयरलैंड को 33 रनों से आसान जीत हासिल कर ली। वहीं अब बात करते हैं भारत के गेंदबाजों की, तो भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले मैच की तरह दूसरे मैच में अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट निकालकर आयरलैंड की कमर तोड़ दी। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट निकाले। हरसिदीप सिंह ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं स्पिन में बात करें तो रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए। तो इस तरह भारत ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में जीत हासिल कर ली और 2-0 के अजय बढ़त बना ली है। वहीं इस श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला 23 अगस्त को खेला जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और क्रिकेट की ऐसी न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।